तो अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अभी जो हो रहा है क्या है? प्रेजेंट. वी आर स्टडिंग नाउ, यू आर लिसनिंग नाउ. ये क्या हो रहा है? व्हेन, जब लोग बात कर रहे होते हैं ना, उस समय जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है वो सब कंटिन्यूअस है, कंडीशन है. व्हेन वी आर स्पीकिंग एट द सेम टाइम, वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, ऑल आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस. एक लाइन में अगर बोले तो বাংলায় বলবো, কথা বলার সময় যা কিছু আমার চারিদিকে হচ্ছে, সারা জগতে হচ্ছে, সব কিন্তু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স. দারুণ বললাম না? উড়িয়া বলবো, নেপালি তো নেই আর. মেরা ইতনা দোস্ত নেপালি থা স্কুল মে, বেক্সিয়াম দোস্ত নেপালি হি থা, হমকো নেপালি নেই শিখানে সকা, হম লোগো ভোজপুরি শিখা দি. बहुत थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है. सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन. सिंपल सेंटेंस जो सबसे पहले तो करने वाला आएगा सब्जेक्ट, वो करेगा, इज ए मार को लेना पड़ेगा उसको, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में ये तो पता है ना, भार्व के साथ आईएनजी लगता है. भार्व के साथ आईएनजी लगाना, कोई भी कंटिन्यूअस हो आईएनजी लगाना होगा. लेकिन अगर तुमको बताना है कि कौन सा कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट पास्ट के फ्यूचर, इससे मालूम चलेगा. ऑक्सिलरी भार्व से पता चलता है कि वो एक्चुअली किस टेंस, किसके घर का है, वो किस खानदान का है. तो भर्ब के साथ आईएनजी और इसके साथ जो इज ए मार लगता है, तब पता चलता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के खानदान से बिलोंग करता है. अगर यहां वाज और वेयर लगा दो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के खानदान का है. अगर यहां विल बी लगा दो, शैल बी लगा दो, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस खानदान का है. देखा, खानदान बदल गया. तो खानदान देख के शादी करो, ठीक है. तो यहां पे लास्ट में ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है. इस समझ में आ गया? नेगेटिव करना है, कुछ नहीं है. इज एम आर है, नेगेटिव है तो नॉट लगाओ इसके बाद, और नहीं है तो मत लगाओ. अब क्वेश्चन बना दे. क्वेश्चन कैसे बनता है? मैंने कहा, आई मैंने कहा यस नो क्वेश्चन बनाओ या डब्ल्यू क्वेश्चन बनाओ. सवाल किससे बनेगा? भर्व से. भर्व से, वह भर्व क्या होगा? उस टेंस का अपना ऑक्सिलरी भर्व, इस टेंस का अपना ऑक्सिलरी भर्व कौन है? इज एम आर. तो भैया इसी से बनेगा सवाल. हर टेंस का मैंने कहा था अपना पहचान होता है, अपना ऑक्सिलरी वर्ब होता है सवाल बनाने के लिए, इज एम आर. और जब यस ऑक्सिलरी वर्ब से सवाल बनाओगे तो वो यस नो होगा, उसका जवाब हाँ या ना में होगा. इसके पहले वाई, व्हाट, वेयर, हु, हुम लगा दो, डब्ल्यूएच क्वेश्चन बन गया. क्या है? इज एम आर लगेगा. देखो, नॉर्मल सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आता है. क्वेश्चन सेंटेंस में वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है. नेगेटिव है तो लगाओ, नहीं है तो हटाओ. आईएनजी तो लगेगा ही, ऑब्जेक्ट है तो लगा दो, लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. हो गया. ये कंस्ट्रक्शन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का. क्या है बोलो, समझ में आया? चलो, ही शी इट सुमन रोहन, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या लगेगा? इज, क्योंकि सिंगुलर के साथ इज लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है, और आई के साथ एम लगता है, ठीक है. इतना समझना. तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है सबके साथ इज लगेगा. भर में क्या लगेगा? आई एन जी. शी इज राइटिंग व्हाट, शी इज राइटिंग व्हाट, अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है. एट द मोमेंट, इस वक्त. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कुछ खासियत होता है, इसे दो तरीके से पहचानते हैं. पहला तो ये देख के, इज एम आर और भर्ब में आई एन जी पहचान लोगे. लेकिन मान लो ब्लैंक दिया हुआ है, बोला कौन सा टेंस होगा? होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पर कैसे पहचानोगे? दो तरीका है पहचानने का, यूनिवर्सल तरीका. पहला, वहाँ लिखा होगा नाउ, एट द मोमेंट, ऐसे लिखा होगा. और दूसरा क्या है, आपको जो सेंटेंस दिया रहेगा ना, वो ऐसा स्कूल वाला नहीं होगा. सेंटेंस दिया है ना, इसके पहले कुछ बोला होगा या इसके बाद कुछ बोला होगा. एग्जाम्पल दे, जैसे द बेबी संध्या, सीधे बैठो. अभी दो दो संध्या है क्लास में, एक वही जो पीछे देखते रहा. संध्या थापा भी वही है, तू भी थापा, दोनों थापो, ठीक है. द बेबी डैश, ब्रैकेट में है क्राई. क्या है? क्राई. अब मुझको नहीं पता, अब क्राई का तो 12 तो फॉर्म है, 12 टेंस, 12 फॉर्म, क्लियर. एक भाव का 12 फॉर्म होता है भाई. क्राई, क्राइज, इज क्राइंग, हैज क्राइड, विल क्राई, शैल क्राई, विल बी क्राइंग, शैल बी क्राइंग, will have been crying, shall have been crying, has been crying, have been crying, had been crying. बाप रे, कौन सा होगा?
कैसे पता है? सब होगा इसमें तो। मैं इसे 12 का 12 लिख सकता हूं तब तक जब तक कि ये ना लिखूं। बच्चे का कोई जेंडर नहीं होता है, मतलब उसको न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, बेबी बोला है ना, लड़के लड़के कोई भी उसे इट लिखते हैं इसके लिए। क्या लिखा है? इससे कभी मालूम नहीं चलेगा यहाँ कौन सा टेंस होगा, उससे मालूम चलेगा। बोला है द बेबी डाइड, ओ क्राई नहीं होगा, स्लीप, द बेबी डैश, बच्चा डैश, स्लीप मैंने सोना, डोंट डिस्टर्ब हिम, उसको तंग मत करो। इसका मतलब क्या है? बच्चा सो रहा है। बोलो दिमाग में आया कि नहीं आया? लेकिन इससे नहीं आया, इससे समझ में आया। तो यहाँ क्या होगा? द बेबी इज क्राइंग, अरे यार स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब हिम। इसे कहते हैं रेफरेंस सेंटेंस। इसे क्या कहते हैं? रेफरेंस सेंटेंस। यही बताता है कि भैया तुम्हारा टेंस क्या होगा। स्कूल का स्टाइल से नहीं होगा, लिख देता है द बेबी डैश, ब्रैकेट में लिखा रहेगा यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, डैड लिखा हुआ तो लिखो द बेबी इज क्राइंग, द बेबी इज स्लीपिंग। क्या करना है अब तुम? यहाँ बच्चा स्कूल थोड़े ना आई है, SBI PO दोगे, बैंक दोगे, हलवा थोड़े ना है, हलवा है क्या? समझ में आया? तो रेफरेंस सेंटेंस एग्जाम में हमेशा फॉलो करना, रेफरेंस सेंटेंस, दे विल हेल्प यू टू डिसाइड इन विच टेंस यू हैव टू राइट द सेंटेंस, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। समझ में आ रहा है? थोड़ा हिम्मत रखो, सुनो आर्यन, ठीक है, क्लियर हो गया? नेगेटिव है तो क्या होगा? इज के बाद नॉट, इज नॉट राइटिंग, क्वेश्चन क्या होगा? पहले इज आगे, देखो आगे इज के आगे पहले आ गया, सब्जेक्ट इधर शिफ्ट हो गया। इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर एट द मोमेंट? ये जो एट द मोमेंट है ये है क्लू वर्ड्स। क्या है? क्लू वर्ड्स, नाउ क्लू वर्ड्स। तो क्लू वर्ड्स समझ लो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि नाउ लिखा रहेगा, एट द मोमेंट लिखा रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। और अगर ये नहीं है तो ऐसा रेफरेंस सेंटेंस होगा, सब सिखा देंगे, ठीक है। और अगर WH करना है तो खाली क्या लगाना है? वाई। उसके बाद आ गया आर, क्योंकि यू था, भर में ING हो गया, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? पॉइंट्स टू रिमेंबर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, आई के साथ एम, और प्लूरल के साथ क्या लगता है? आर। अभी देखो यहाँ फोटो है, गाड़ी चल रही है, अरे ये सब नहीं चाहिए, जल्दी आओ। मैं तो भूल ही गया चाय बनाने के लिए बोला, अब उसको अलग से घर में पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा वीडियो तो यही है देवव्रत, देखो इसका नाम है गुल्लू, ठीक है, गुल्लू मेरा भतीजे का नाम है, भैया घर में बुलाते हैं, उसका भी सर्विस हो गया, यहीं पड़ता था। तो गुल्लू गाड़ी चला रहा है क्योंकि उसके बाल उड़ रहा है, देखो है ना। अब इस एग्जांपल को ज़रा समझो, गुल्लू इज इन हिज कार, गुल्लू अपने कार में है, ही इज ऑन हिज वे टू वर्क, वो अपने काम के लिए जा रहा है, काम के रास्ते में जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ही इज ड्राइविंग टू वर्क, ही इज ड्राइविंग टू वर्क, वो अपने काम की तरफ जा रहा है, इज और ड्राइविंग। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्चुअली होता क्या है पता है? इस वो अभी गाड़ी चला रहा है, ही इज ड्राइविंग नाउ, एट द मोमेंट व्हाट इज ही डूइंग, ही इज ड्राइविंग अ कार, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब ये हम बातें कर रहे हैं ना, इस वक्त गुल्लू गाड़ी चला रहा है। इसका मतलब एक्शन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि काम शुरू हो गया है, चल रहा है, प्रोसेस में है, पर खत्म नहीं हुआ है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, यह खत्म नहीं हुआ, चल रहा होता है। मेरी बात समझ में आई? चलो आई एम राइटिंग अ लेटर मैंने क्या, आई एम इन द मिडल ऑफ राइटिंग अ लेटर, मतलब मैंने लेटर लिखना शुरू कर दिया है, मैंने लेटर लिखना शुरू कर दिया है पर खत्म नहीं हुआ, तो बीच में हूँ, है कि नहीं? अरे तुम बाद में आना, अभी मैं लेटर लिख रहा हूँ, बिकॉज आई एम इन द मिडल ऑफ राइटिंग समथिंग, एंड दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये अब इसका यूज़ पढ़ लेते हैं, कहाँ पे यूज़ करेंगे? यहाँ देखो,
अक्षिता है, ग्यालसेन है ना, इधर दिव्या है, इधर दिव्या ऐसा ही है, ठीक है, ये कौन है रे, अंकुश, ठीक है, अरे ये अंकुश है ना, ये थोड़ा गोल मोल है, ये है विश्वजीत, ठीक है, ये कैफेटेरिया में बैठा है ना, यहाँ पे एक सिचुएशन मैंने दिया है आपको, एक परिस्थिति है, समझो। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शंस टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वर्ड्स यूज्ड फॉर इट नाउ एट प्रेजेंट एट द मोमेंट दिस मॉर्निंग दिस इवनिंग करेंटली, ये क्लू वर्ड्स हैं। ये अगर सेंटेंस में है तो आप समझ जाओ कि आपका सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो बातें करते वक्त हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा होता है हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं। रीडिंग अ बुक, वर्किंग ऑन लैपटॉप्स एंड दे आर टॉकिंग विथ ईच अदर, दिस होल थिंग्स आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द कैफेटेरिया। कैफेटेरिया में ये सब बातें करते वक्त इतने सारे काम हो रहे हैं। आप किसी कॉफी शॉप में बैठो, दोस्त से बात करो, आसपास जो भी हो रहा सब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ओ एंड ये है तो नाम, ओ भैया सूरज एंड पूजा है, सूरज एंड पूजा टॉकिंग इन अ कैफे, सूरज सेज, सूरज कह रहा है, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट, आई विल लेंट इट टू यू व्हेन आई हैव फिनिश्ड, मैं इस वक्त एक इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहा हूँ, मतलब इन द प्रोसेस है, इन द बिटवीन है, मैं तुमको दे दूंगा जब मेरा ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब सूरज इज अब इस कैफे में मतलब मान लो कहीं भी, मान लो सूरज और पूजा किसी कैफे में मिला, सूरज उस समय थोड़े ना किताब पढ़ रहा है, उस समय तो कैफे में कॉफ़ी पी रहा है, पूजा दोस्त आ गई बात कर रहा है, दे आर टॉकिंग विथ ईच अदर एंड पूजा इज आस्किंग फॉर अ बुक फ्रॉम सूरज कि सूरज मुझे ये किताब चाहिए। सूरज वहाँ किताब नहीं पढ़ रहा है पर आजकल नाउ अ डेज वो वही किताब पढ़ रहा है, उस वक्त नहीं पढ़ रहा है जब बातें कर रहे हैं पर आजकल ये काम हो रहा है। तो बोला कि देखो जो किताब तुम मांग रही हो ना मैं अभी वो पढ़ रहा हूँ, मुझे ख़त्म कर लेने दो, कुछ पेज बाकी है, जैसे ही हो जाएगा मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन उस वक्त वो नहीं कर रहा है ये काम। ऐसे बातों को भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही लिखते हैं, जो बातें उस समय तो नहीं हो रही है जब आप किससे बात कर रहे हो पर आज कल आप वो काम कर रहे हो। समझ में आ रहा है बात? जैसे आसिफ वॉन्ट्स टू वर्क इन स्पेन सो ही इज लर्निंग स्पेनिश, आसिफ स्पेन में काम करना चाहता है इसलिए आजकल वो स्पेनिश सीख रहा है, तो उस वक्त थोड़े सीख रहा है जब तुम आसिफ से बात कर रहा है, पर आजकल वो स्पेनिश की ट्रेनिंग ले रहा है, उस वक्त नहीं कर रहा है, उधर तुम दोनों बैठ के बिरयानी खा रहा है, तो आजकल वो स्पेनिश सीख रहा है। समथिंग इज गोइंग ऑन नाउ अ डेज, नॉट एट द मोमेंट वेन यू आर स्पीकिंग विथ ईच अदर बट नाउ अ डेज इट इज गोइंग ऑन, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो इस टेंस का इस्तेमाल ऐसे एक्टिविटी के लिए भी होता है जो उस समय बातें करते वक्त तो नहीं चल रहा है पर आजकल हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ इस्तेमाल करते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स और इवेंट्स हैपनिंग इन द पीरियड अराउंड नाउ, हमारे आसपास जो आजकल हो रहा है, आप न्यूज़ में सुनते होंगे जो घटित हो रहा है, जो हैपनिंग्स हो रहे हैं, जैसे कि टुडे बोलता है, यहाँ पे टुडे लगता है, दिस वीक लगता है, दिस इवनिंग, दिस मंडे, इस तरह के कुछ टाइमिंग दिए जाते हैं, जैसे कि यू आर, यदि है ना इजे, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, है ना, तुम आज बहुत मेहनत कर रहे हो, टुडे क्या बोला, यस आई हैव अ लॉट टू डू, यहाँ ये नहीं बोलेंगे यू वर्क हार्ड टुडे, वर्क मतलब भर्व का प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, और भर्व का फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, तब उसका मतलब हो जाएगा वो हर दिन कठिन मेहनत करता है, क्या कह रहा है, आज तुम बड़ा काम कर रहे हो, है ना, क्योंकि उसके पास बहुत सारे फाइलें हैं इसलिए आज वो बहुत मेहनत कर रहा है, तुम्हारे हर दिन नहीं होता ये पर आज देख रहे हो, अरे भाई आज तो बहुत मेहनत कर रहा है कि नहीं, दैट इज़ यू आर वर्किंग वेरी हार्ड टुडे, टुडे दिस इवनिंग दिस मंडे दिस मॉर्निंग, इस तरह से। इज मेघा वर्किंग दिस वीक? नो शी इज ऑन वेकेशन, बोला कि मेघा इस हफ्ते के काम कर रही है, वो नहीं, वो कहाँ है, वो छुट्टी पे है, तो आजकल वो ये काम नहीं कर रही, काम करती है पर आजकल वो इस हफ्ते काम नहीं कर रही है, वाई, बिकॉज शी इज ऑन अ वेकेशन, ठीक है। वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस व्हेन वी टॉक अबाउट चेंजेस हैपनिंग अराउंड नाउ, आपके आसपास दुनिया में जो कुछ बदलाव हो रहा है, जो कुछ चेंजेस हो रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है आपके आसपास, उन सबको इसी टेंस में लिखते हैं। हमारे देश की जनसंख्या आजकल बढ़ रही है, किस टेंस में होगा, ये आपके आसपास होने वाले हैपनिंग्स हैं, घटनाएं हैं,
क्या होगा, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज राइजिंग. ऑफ के बाद क्या है मुझे मतलब नहीं है, ऑफ के पहले क्या है, पॉपुलेशन सिंगुलर है, क्या लगा इज राइजिंग वेरी फास्ट, क्योंकि ये घटना हमारे आसपास घट रही है, पृथ्वी दब के जब मर मर जा रहा है, ठीक है, सबको जमीन चाहिए. हाँ यहाँ देखो संस्कृत पढ़ रहा है, क्या लिखा है, सूर्य प्रचंडंग तपति यदा ऊष्मा वर्धते तथा शा. इज योर संस्कृत गेटिंग बेटर, मतलब ये है कि चूंकि वो आजकल संस्कृत सीख रहा है, बोले क्या तुम्हारा संस्कृत बेहतर हो रहा है क्योंकि तुम संस्कृत सीख रहे हो, है कि नहीं. तो ये मैंने आज क्योंकि उसे पता है कि वो संस्कृत सीख रहा है, स्पेनिश सीख रहा है, तो तुम उससे पूछते हो, अगर भाई तुम तो संस्कृत सीख रहे हो तो बेटर हो रहा है क्या तुम्हारा, नहीं बोलते दोस्तों को ऐसा, तुम डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो पहले से तो अच्छा खेल रहे होगे, है ना, इस तरह से. तो ऐसा सेंटेंस को जो हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं घटती हैं, हैपनिंग्स होता है, घटना दुर्घटना कुछ ही बोल लो, वो सब इसी टेंस में होगा, ठीक है. ये तो आजकल होता है, कुछ लोग सुधार कर रहे होते हैं और कुछ पॉलिटिशियन करप्शन करके उसे लपेट रहे होते हैं, मतलब इधर रोड बन रहा है इधर रोड उखड़ जा रहा है. 15,000 करोड़ रुपया दे के एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और 5 दिन बाद साफ हो गया, तो समझता है किस लेवल का करप्शन है. लेकिन ये बूढ़ों को समझ में तो आता नहीं है कुछ भी. द करप्शन इन इंडिया इज राइजिंग वेरी, इनके बाद क्या पता नहीं है, करप्शन सिंगुलर है, क्या लगेगा इज राइजिंग वेरी फास्ट. सच है हमारे आसपास घटने वाली घटना है, भ्रष्टाचार हमारे भारत में बहुत बढ़ रहा है. खाली करप्शन को रोक दो तो हमारा देश डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाएगा, इतना पैसा स्विस बैंक में चला जाता है, 250 गुना इंक्रीज हुआ है सबका पैसा स्विस बैंक इंडिया वालों का, उतना पैसा तो इंडिया में भी तो रह सकता है ना, स्विस का ही चला जाता है, और थोड़ा तो बेसिक ब्याज देता है, उल्टा तो लेता है पैसा, इसका मतलब करप्शन का पैसा है, वो सही पैसा तो होगा नहीं, और वो पैसा स्विस वाला तुमको देगा भी नहीं, पॉलिसी ही नहीं है, बात समझा. तुम कितना भी गिरा लो किसी गवर्नमेंट को नहीं देगा पैसा, हाँ डेटा दे देगा कि डुप्पा के पास कितना पैसा है, कि हरि प्रसाद चौरसिया के पास कितना पैसा है, ये बता देगा, तो गवर्नमेंट बोलेगा ट्रांसफर कर दो, नहीं होगा, और तो बैंक ही बंद हो जाएगा, सब करप्शन का पैसा है. इसलिए दिल्ली में इतना उन्नति हुआ है कि नहीं सूरज, है ना, करप्शन रोक दिया, सारा पैसा बच गया. चलो ये भी हैपनिंग हो रहा है हमारे आसपास, हम नहीं बोलते क्या हो रहा है देश में ना आजकल, ऐसे बोलते हैं ना क्या हो रहा है देश में आजकल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बोल रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड नाउ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बोल रहे हैं. इसका इस्तेमाल फिक्स्ड प्रोग्राम नियरेस्ट फ्यूचर, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, मैंने बोला था कोई प्री प्लान्ड एक्टिविटी है, इसमें भी बोल रहा हूँ एकदम नज़दीक वाले समय में, आने वाले समय में जो नियरेस्ट है उसमें कोई तुम काम करने जा रहे हो पहले से प्लान्ड है, इस टेंस में होगा, इसमें भी वो भी इस टेंस, या तो इस टेंस में लिखो या प्रेजेंट इनडेफिनिट में लिखो. अंकित इज गोइंग टू मनाली टुनाइट, आज ही रात को जा रहा है, नियरेस्ट फ्यूचर है, अंकित आज रात मनाली जा रहा है, जाएगा बोलने से नहीं होगा, इसी टेंस में लिखना होगा, भले ही टाइम फ्यूचर है पर टेंस क्या होगा, प्रेजेंट. माय डॉटर इन लॉ इज कमिंग टुमारो, मेरी बहू कल आ रही है, प्री प्लान्ड है कि नहीं. तो जो भी प्री प्लान्ड एक्टिविटी होता है उसे या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखो, अगर नियरेस्ट फ्यूचर है और थोड़ा दूर का फ्यूचर है तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में लिखो, दोनों को लिख सकते हैं, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पर ये फ्यूचर में नहीं होगा, गॉट द पॉइंट, फिर उसका मीनिंग बदल जाएगा. आई शैल गो और आई विल गो दोनों में बहुत डिफरेंस है, आई शैल गो जा भी सकता हूँ नहीं भी आ सकता हूँ, आई विल गो जाऊँगा, तुम कुछ भी बिगाड़ लो मैं जाऊँगा, ठीक है. अब यहाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कर देता है हालत खराब, यही कर देता है हालत खराब. अच्छा देखो, जब वर्ड्स का जन्म हुआ, ठीक है, जब शब्दों का जन्म हुआ तो उसका जो है दो मीनिंग होता है, एक जो उत्पत्ति के साथ हुआ, जन्म के साथ उसको मीनिंग मिला है, और एक जो अलग से होता है. जैसे हियर माने क्या होता है, सुनना ना बोलना, हियर माने सुनना, हमको तो यही पता है, बचपन से यही पढ़े हैं, हियर जब पैदा हुआ था तो उसका नाम क्या पड़ा, सुनना,
ठीक है, पर हम लोग बोलते हैं ना, ए तुमको पता है क्या आज तुम्हारा हियरिंग है, तो क्या तुम्हारा बात सुनने के लिए बुला रहा है? अरे वोट कार्ड का हियरिंग हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस का हियरिंग हो सकता है, तुम्हारा कोर्ट में हियरिंग है उसके लिए समन तुमको भेजा गया वो हियरिंग हो सकता है। तो ये इस हियरिंग का मतलब होता है तुम्हारा केस का सुनवाई है या तुम्हारे किसी काम का सुनवाई है। और एक हियर का मतलब होता है आई कैन हियर यू, मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ, सुन सकते, दैट इज टू लिसन। तो एक हियर हुआ जो उसके जन्म के साथ उसका मीनिंग पैदा हुआ, ठीक है, वो उसका जनरल सेंस हुआ। क्या हुआ? जनरल सेंस, जो उसका अपना मीनिंग है। एक है स्पेशल सेंस हियरिंग, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ केस। आपका कोर्ट में आज हियरिंग है, अरे तुम्हारा वोटर कार्ड का हियरिंग है, चला जाओ, माने कुछ इन्वेस्टिगेशन होगा, कुछ इंटरोगेशन होगा। तो दोनों का ही, तो देखो एक हियर का नॉर्मल मीनिंग हुआ और एक हियर का उसके जो बर्थ के साथ जो जन्म के साथ मीनिंग आया था उससे अलग स्पेशल सेंस में यूज़ किए हैं। अब इसको समझना है, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ड्रामा तो यहीं शुरू होता है ना। पहले तो समझ लो कौन कौन से वर्ब हैं। वर्ब सब परसेप्शन, अनुभूति वाले वर्ब, सी हियर स्मेल नोटिस फील टेस्ट। अपियरिंग वाले वर्ब, अपियर लुक सीम। इमोशन वाले भर, वांट विश डिजायर फील लाइक डिसलाइक लव हेट फॉरगेट रिमेंबर कंसिडर एग्री सपोज थिंक डिसबिलीव बिलीव्ड डाउट होप नो अंडरस्टैंड मीन माइंड। पोजेशन वाले भर, मेरा तुम्हारा, हैव ओन पोजेस कंटेन कंसिस्ट ऑफ बिलोंग टू, इनका इस्तेमाल तो ये पोजेशन बताने के लिए करते हैं ना। आई हैव अ गर्लफ्रेंड, तो पोजेशन गर्लफ्रेंड का पोजेशन किसके पास है? मेरे पास है कि नहीं? मेरा बात समझ में आया? मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनो। तो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल अभी क्लियर हो जाएगा। बीमार होने से कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास। सी माने क्या होता है? देखना। सी माने देखना, टू लुक, सी मीन्स टू लुक। तो बोलते हैं आई कैन सी यू कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, तुम दूर से आ रही थी ना तभी मैंने तुमको देख लिया। तो क्या करें, ठीक है, तो सी माने क्या हो गया? देखना। और एक होता है टुडे आई एम सीइंग माय डॉक्टर, आज मैं अपने डॉक्टर को देखने जा रहा हूँ। बहुत तो होते हैं ना लेडी डॉक्टर तो देखने ही जाता है। एक फिल्म में है ना, कौन सा फिल्म है, जादूगर वेब सीरीज है। वो डॉक्टर उसका आँखें निकालने जाता है, उसका मेरे लाइन मारने आया है तो उसका आँख निकाल, नहीं नहीं दीदी 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 सब ठीक है, दीदी सब ठीक है, दीदी आ जाता है, ठीक है। सो आई टुडे आई एम सीइंग माय डॉक्टर, यहाँ सी में आईएनजी लगा, सेम सी है पर यहाँ सीइंग का मतलब देखना नहीं होता, यहाँ सीइंग का मतलब होता है टू विजिट, डॉक्टर को विजिट करने जा रहे हो। और पहला जो सी बोला उसका मतलब होता है देखना। तो याद रखो इनका जन्म के साथ जो इसको मीनिंग मिला है जनरल मीनिंग, जब उसी सेंस में यूज करोगे तो कभी भी भूल के आईएनजी मत लगाना। और जन्म के साथ इसको जो मीनिंग मिला है उससे हट के स्पेशल मीनिंग में जब इसका इस्तेमाल करोगे तब आईएनजी लगाना। हियर माने सुनना, भले ही हियर को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है, आई एम हियरिंग नहीं लिख सकते हो, तुमको आई हियर ही लिखना होगा। मैं तुम्हें सुन रहा हूं, आई हियर यू लिखना होगा, आई एम हियरिंग नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ हियर का मतलब लिसन है और इसी में इसका जन्म हुआ था, चेंज नहीं कर सकते हो। पर तुम्हारा ही तुम्हारा हियरिंग है तो वो अलग हो जाएगा। यू हैव अ हियरिंग इन द कोर्ट, तुम्हारा कोर्ट में हियरिंग है तब आईएनजी लगा सकते हो। तो जनरल सेंस में यूज करेंगे जो इसका नॉर्मल मीनिंग है, आईएनजी नहीं लगेगा। अंडरस्टैंड में कभी आईएनजी लेता, अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई कैन अंडरस्टैंड यू बोलते हैं ना, आई अंडरस्टैंड यू, आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू नहीं बोलते, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, प्रोसेस में है क्या? अरे एक बार में समझो ना, धीरे धीरे समझ रहा है, आस्ते आस्ते, खत्म नहीं हुआ, ऐसा होता है क्या? अंडरस्टैंड का प्रोसेस होता है क्या? अभी बताओ कहा गया, लव, आई एम लविंग यू, मैं तुम्हें धीरे धीरे प्यार कर रहा हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ है, गजब है रे भाई, जबरदस्ती है।
तो जब इसको जनरल सेंस में यूज करेंगे आईएनजी नहीं लगाओ, स्पेशल सेंस में यूज करोगे जो उसके नॉर्मल मीनिंग से बिल्कुल अलग हटके होता है, एलियन मीनिंग होता है, स्पेशल मीनिंग होता है, तब आईएनजी लगाओ। इस पे इतने क्वेश्चंस आते हैं ना, पता ही नहीं चलता है कि कौन सा है, इसलिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। बताते नहीं है कोई भी चैनल वाले ये सब, जल्दी नौटंकी करते रहते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे, आई सी हर डांसिंग इन द बेडरूम, अभी बेडरूम में नाच रही है, ये इसको देख रहा है, तो यहाँ सी का मतलब देखना ही ना हुआ, तो देखो सी लगा है, एस डबल ई आई एन जी सिंग नहीं लगा। देखो अब तुम उसको नाचते हुए देख रहा है कि नहीं, लेकिन तुम नहीं बोल सकता है आई एम सिंग हर डांसिंग इन द रूम, नहीं बोल सकते हो, जबकि तुम खड़े होकर देख रहे हो कि हाँ वो नाच रही है, देख रहे हो, देखने का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन नहीं लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ सी का मतलब होता है लुक, और सी का मतलब लुक ही होता है जनरल सेंस में, आई एन जी नहीं लगेगा। लेकिन डॉक्टर को विजिट करने के लिए गया है, क्या लिखेंगे, आई एम सींग माई डॉक्टर टूडे, आज मैं अपने डॉक्टर को देखने नहीं, आज मैं अपने डॉक्टर से मिलने जा रही हूँ, मेरा उनके साथ अपॉइंटमेंट है। यहाँ सी का मतलब होता है टू विजिट और मीट, स्पेशल सेंस में यूज़ किया गया है, तब इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम लगा के आई एन जी लगा सकते हैं, ही होगा तो ही इज सींग, दे आर सींग, ऐसे लगा सकते हैं। आप समझ में आया, दोनों में सी था ना, एक में सी का मतलब लुक जो उसके जन्म के साथ मिला, चेंज नहीं होगा, भले ही कंटिन्यूअस टेंस में लिखो लेकिन आई एन जी नहीं लगेगा, लेकिन जब स्पेशल सेंस में लिखेंगे तो आई एन जी लगेगा। अब समझ में आया, अब सोचो ना इस पर कितने क्वेश्चन बनेंगे, हालत ख़राब कर देगा एग्जामिनर, हालत ख़राब कर देगा एग्जामिनर। तो देखो ये सब चीज़ है ना, तपस्या का चीज़ है, ये बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्या लगता है तुमको, सबको थोड़े नौकरी मिलेगा, अब CGL में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाल दिया है 20,000 प्लस, तो माथा फोड़ के भी तो 20,000 का नौकरी होगा ना, भरे कम से कम नहीं तो 60-70 लाख आदमी भरेगा इस बार, सबका नौकरी होगा, 99% बाहर। तो क्या 99% में क्या ब्रिलियंट नहीं थे, जीनियस नहीं थे, मेहनती नहीं थे, थे ना, लेकिन नौकरी किसका हुआ, 20,000 का, क्योंकि वो लायक थे। समझ में आया, उन्होंने अपनी हैसियत को, यहाँ पे CGL था तो यहाँ पे पहुँचाया मेहनत करके, इसे जब क्लास में पढ़ाए तो पूरे शिद्दत और बॉडी लैंग्वेज को साथ लेके पढ़िए, थोड़ा सा भी नींद आया ना वो पाठ ही मिस हो जाएगा, कभी होता है लाइफ में, फिल्म देख रहे हैं कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी में कुछ नींद आ गया या कुछ किसी और चीज़ के बारे में सोचे, तो मैं क्या रिवाइंड करते हैं ना, अरे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ चला गया था, कुछ हो रहा था इंपॉर्टेंट, बैक किए, नहीं होता है, सेम चीज़ यहाँ पर एग्ज़ाम में रिटेक करने का मौका नहीं मिलेगा, एक साल बर्बाद करके तुमको रिटेक करने का मौका मिलेगा, 23 साल की उम्र में एग्ज़ाम दिए फेल हो गए, 24 देना पड़ेगा, एक साल गया, एक साल करियर गया, एक साल प्रमोशन का गया, अब रिद्धि को देखो 21 साल में मजा मार रहा है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गजब है एकदम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बार में नौकरी मिलने वाला खतरनाक होता है, वो रेयर ऑफ द रेयर केस है, एक बार में नहीं मिलतेगा, बहुत रेयरेस्ट केस होता है, तो वो काउंट में नहीं आता है सब। ये क्या है, ओ सेंटेंस देखो, एग्जाम्पल खत्म हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। कह रहा है कि जो ये जो बोल्ड मैंने कलर कर दिया है, जो अंडरलाइन जो वर्ब्स है, क्या सही है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस करवा दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करा दिया, दोनों यहां पे है, तुम बताओ सही है ना गलत है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, मैं तो लिख दिया हूं पर मैं गलत लिखा हूं, हाँ उसको ध्यान मत देना। ये जो सेंटेंस है ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है, किस टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। यहाँ अगर लिखा होता वाटर इज बॉइलिंग, गलत, क्या होगा, वाटर गिन सकते हो, ए एक बूंद पानी लेके आ तो, ए दो बूंद पानी, ए 10 बूंद पानी लेके आ तो, ऐसा होता है क्या, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, वाटर और क्या, घी, राइस, शुगर, सॉल्ट, कैसे गिने करें, ठीक है, तो सिंगुलर है, भर में क्या लगा, एस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री, तापमान के पहले एट लगता है, जब पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन तब। ये बताओ ये रॉन्ग बोलता है, हाउ ऑफन डैश टू द शॉपिंग मॉल, हाउ ऑफन आर यू गोइंग शॉपिंग, देखो क्या लिखा है, ऑफन, समझना होगा क्लू वर्ड्स को, समझना होगा, मैंने कहा ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है नाउ, एट द मोमेंट, एट द स्टार्टिंग, दिस मंडे, दिस इवनिंग, दिस, ऐसा ऐसा होता है, प्लस रेफरेंस सेंटेंस से भी समझते हैं, ऑफन दिया है ना,
कहाँ लगता है ऑफेन का मतलब होता है प्रायः, वो प्रायः ही वहाँ जाता है, वो प्रायः ही मुझसे मिलने आता है। रेगुलर एक्टिविटी, भले ही सप्ताह में एक बार आए, सप्ताह में दो बार आए, पर रेगुलरली। इस ऑफेन से समझ में आया कि ये सेंटेंस रेगुलर एक्टिविटीज को डिनोट कर रहा है। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस गलत है, क्या होगा? डू यू गो, हाउ ऑफेन डू यू गो टू द शॉपिंग मॉल, बताओ। ये हम लोग अप्लाई करना सीख रहे हैं, पर अभी भी ये लो लेवल पे है, यहीं से स्टार्ट करेंगे बड़े लेवल पे। अन्नू ट्राइज टू फाइंड अ ट्रेजर बट शी हैजंट हैड एनी फॉर्च्यून येट, येट दिया हुआ है, जब भी येट रहता है ना, येट 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 येट, तो याद रखो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब हैज होगा नहीं तो हैव होगा, और वर्ब की क्या होगी? थर्ड फॉर्म। तो हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है, इसलिए हैज और हैड है, ठीक है। हैज हुआ ऑक्सिलरी वर्ब, हैड हुआ मेन वर्ब, ठीक है, ये येट के चलते। तो यहाँ अन्नू ट्राइज टू फाइंड अ ट्रेजर, बट दिया है, बट एक प्रीपोजिशन है, बट क्या करता है पता है? विरोधाभास पैदा करता है, कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है। बट के पहले अगर अच्छा बात है तो बट के बाद बुरा बात ही बोलना होगा, बट के पहले गुड बोला है तो बट के बाद बैड ही बोलना होगा, बट के पहले अगर लाइट है तो बट के बाद डार्क ही बोलना पड़ेगा। इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाता है एग्जाम, बट पे कितना सेंटेंस आता है, बट वो लेकिन, लेकिन उसे अभी तक भाग्य नहीं मिला, यानी कि अन्नू खजाना ढूंढ रही है लेकिन अभी तक उसको नसीब साथ नहीं दिया है, गलत है, रॉन्ग है, क्या होगा? इज ट्राइंग, अन्नू इज ट्राइंग टू फाइंड ट्रेजर, बट इससे मालूम चला, ये रेफरेंस है, या कैसे मालूम चलेगा, कोई कुछ नहीं दिया है। अगर लिखता डेली तो रेगुलर एक्टिविटी तब ठीक था, अन्नू रोज खजाना खोजती है, अन्नू ट्राइज टू फाइंड ट्रेजर डेली, वैसा नहीं है। आगे देखो, महक इज फोनिंग हर मदर एवरी डे, एवरी डे डेली एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो कंटिन्यूस कैसे होगा रे? और महक क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्या होगा? महक फोन्स, क्या होगा? फोन्स। ये एवरी डे रेगुलर एक्टिविटी है, रिपीट एक्टिविटी है। द अर्थ गोज राउंड द सन इन अबाउट 365 डेज, यूनिवर्सल फैक्ट है, गोज सही है। कैन यू हियर दोज पीपल, अब सुनो, सेंटेंस को ना सिर्फ पढ़ना नहीं है, सेंटेंस को फील करना पड़ता है अंदर से, ठीक है। द अर्थ गो, कैन यू हियर दोज पीपल, अब सुनो इसका मतलब क्या है? ए, तुमको उन लोग का आवाज़ आ रहा है, उन लोगों को तुम सुन सकते हो, इसका मतलब व्हाट डू दे टॉक अबाउट, उन्होंने क्या के बारे में बात किया, नहीं क्या के बारे में बात कर रहे हैं, तभी तो बोला है ना, एक तुमको सुनाई दे रहा है, क्या बोल रहे हैं वो लोग, सिचुएशन समझो। ये हम लोग कब बोलेंगे? कैन यू हियर, प्रेजेंट टेंस है, कैन 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 कैन, कूड पास्ट टेंस है, कैन यू हियर दोज पीपल, क्या तुम उन लोगों को सुन सकते हो, इसका मतलब वो लोग बात कर रहे हैं। डोंट डिस्टर्ब हिम, उसको तंग मत करो, बेबी सो रही है, डोंट डिस्टर्ब हिम से मालूम चला कि ये कंटिन्यूअस है, इससे मालूम चला कि ये कंटिन्यूअस है, क्या होगा? व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, क्लियर समझो। हाँ, ये सब खजाना है तुम लोगों को जो मिल रहा है। What do you do in your leisure? तो what do you do in your leisure? Leisure एक leisure में किया जाने वाले काम आपका regular activity होता है, फुर्सत के पल में आप वो काम करते हो हमेशा जो आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद, आप खुश रहते हो जो काम करके। जैसे मैं, मेरे को जब भी मिलता है leisure, मैं पढ़ाई करता हूँ, बुक से बड़ा प्रेम है हमको, ठीक है। तो what do you do in your leisure, ये राइट है क्योंकि रेगुलर एक्टिविटी है, और रेगुलर एक्टिविटी को हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। आई एम अ वेजिटेरियन, मैं एक शाकाहारी हूँ, ये रेफरेंस सेंटेंस है, इसका मतलब ये है आई डोंट ईट मीट, आई एम नॉट ईटिंग मीट, नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ, इसका मतलब मैं कभी मीट नहीं खाता, तो कभी नहीं खाता, परमानेंट एक्टिविटी, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस टू डू नॉट, ही होगा तो डज नॉट, शी होगा तो डज नॉट, वी होगा तो डू नॉट, दे होगा तो डू नॉट। हाँ, फैक्ट बेस्ड है। राहुल सेड यू हैव टू गो नाउ, राहुल ने कहा तुम्हें अब जाना होगा, क्यों? या लिखा इट गेट्स, गलत है, पार्टी वगैरह होता है, तुमको लेट हो गया, बोलता है ए बहुत लेट हो गया है ना, बहुत लेट हो गया, तुमको जाना होगा, है कि नहीं? तो काफ़ी देर हो रही है, रॉन्ग सेंटेंस है ये, क्या है? रॉन्ग है, ये नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त तुम कह रहे हो, उसको ये बता रहे हो कि काफ़ी देर हो रही है, इट इज़ गेटिंग लेट, इट गेट्स लेट कभी नहीं बोलते, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमेशा लेट होती है, इट इज़ गेटिंग लेट, देर हो रही है, चलो हमेशा देर होती है, चलो, ऐसा कैसे बोलता है? नहीं बोलता है ऐसा, ठीक है। कम ऑन, इट्स टाइम टू लीव,
चलो यार अब जाने का समय हो गया है. ओके आई कम बोलते हैं क्या? इसका मतलब मैं हमेशा आता हूँ, मैं आ रहा हूँ. क्या होगा? आई एम कमिंग. वो अभी बात कर रहा है इसके बारे में. ठीक है. अरे सब हम लोग के डेली लाइफ में होता है. ठीक है. तो देखो ये सारे हैं सेंटेंस, इसे देख लो एक बार. सारा हैबिचुअल है, ऑलवेज है. और इसके बाद मैं कुछ सवाल आपको दे रहा हूँ. इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी. और जो लोग अभी इस वक्त मेरे चैनल पे देख रहे हैं वो लोग ये क्वेश्चन देख लें और इसका जवाब कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में. ठीक है. हालांकि इसकी PDF मैं दे दूंगा. जो लोग ऑफलाइन बैच में है सवाल एक बार देख ले, सवालों का स्क्रीनशॉट ले ले. मैं सवाल दे दे रहा हूँ यहाँ पे. हेलो ठीक है हाँ उन लोगों को हैंडल करो, मैं छुट्टी कर दूंगा. ठीक. ये सवाल हुए, ये और भी सवाल है यहाँ पे. ठीक है. ये करना है, मैंने कुछ एक्सप्लेन भी कर रखा है ताकि आपको. और ये वो सवाल है जो एग्जाम लेवल पे आते हैं, ये बगवा क्वेश्चन नहीं है. ठीक है. ये रहा. ठीक है. सवाल देखो, तुम लोगों को तो PDF दे दूंगा मैं. ठीक है. ये सवाल है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले जो स्टूडेंट देख रहे हैं. तो यहाँ तक ये ख़त्म. ठीक है. तो आई होप सबको समझ में आ गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है. प्रेजेंट इंडिफिनिट कैसे वाक्य को लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किस वाक्य को लिखेंगे. तो दोनों टेंस एकदम क्लियर है. आप सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, उसी में मैक्सिमम टाइम लगता है. तो भले ही सवा घंटे क्लास बना है लेकिन आप लोग देखें क्लास में, समझ में अगर कुछ छूट गया है तो रिकॉर्डिंग्स देखें, बार बार देखें. समझे, ज़िंदगी में एक ही बार तो समझना है कि नहीं. उसके बाद नौकरी मिल जाएगा तो डेहुआ गिनना है खाली, ऐश करना है पूरा. आज सिक्किम जाऊंगा, कल केदारनाथ जाऊंगा, कल पहाड़ से कूद जाऊंगा पैराशूट के साथ, है कि नहीं. चलो अगले क्लास में मिलते हैं सबसे. थैंक यू. छुट्टी होगी आप लोग अभी. हाँ.